हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुज किचन रेसिपी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुकिंग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेके आए हैं और वो आपकी कुकिंग को बहुत इजी बना देगी। आपको जो हम सब्जियां बनाते हैं और उनको बनाने के लिए जो हम मसाले बनाते हैं, अदरक हमारी वेस्ट हो जाती है, पालक हमारी वेस्ट हो जाती है, तो हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं और कम टाइम में बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टिप्स बताना। तो यहाँ पे हमने जिंजर लिया है। तो जिंजर कभी होता है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो यहाँ पे हमने अच्छे से धो कर उसको पीस लिया है, छील कर पीसा है। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा है। और यहाँ पे हमने इसको पीसने के बाद में एक कटोरी में छोटे छोटे बॉल टाइप के या छोटे छोटे हम किसी भी शेप के आप बना के रख सकते हैं, और इनको हम इस छोटी सी प्लेट में बना के रख लेंगे जिनका हम अपने आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको रख दिया है, अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पे हमने आधा अदरक को बचा लिया, इसको हम बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। और अब इसको ये देखिए, ये पेस्ट बन चुका है इसका काफ़ी पतला, और हम इसको अब छोटे छोटे बॉल्स ही बनाकर इसको भी फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। यहाँ पे आप दोनों प्लेट्स को हम रख देंगे फ्रीज़र में जब तक ये अच्छे से जम नहीं जाती हैं। ये देखिए, ये अच्छे से जम चुकी हैं। हमने 8-10 घंटे बाद इनको निकाला है फ्रीज़र से, ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली जम चुकी हैं। अब हम इनको स्टोर करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हम इनको अलग अलग बॉक्स में ही स्टोर करेंगे। और तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, अब इसमें हम सारा स्टोर करके और इसको रख देंगे फ्रीज़र में ही। और जब अब ये यूज़ करना है तो हम इसको यूज़ करने के लिए इस बॉक्स में से निकाल के और इसको यूज़ कर लेंगे। एक इसमें से पीस लेंगे और उसको हम सब्ज़ी में डाल देंगे, वो मेल्ट हो जाएगा और इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने दूसरा वाला जो बनाया है, ये हमने बनाया है चाय के लिए। अदरक काफ़ी वेस्ट हो जाती है कई बार, तो हम इस तरीके से बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी हम चाय बनाएंगे तो इसमें से एक ब्लॉक निकाल के चाय के पानी में डाल देंगे और वो मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी अदरक वाली चाय बनके बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इनको स्टोर कर देंगे और इनको वापस फ्रीज़र में ही रख देंगे। यहाँ पे हम अपनी दूसरी टिप देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज लिया है, हमने 8-10 प्याज लिए हैं, उनको काट लेंगे हम अच्छे से। और उनको हमें पीसना है तो हम मोटे मोटे स्लाइस ही कर लें। तो आज जो हम मसाला बनाने वाले हैं इसका, एक तो मसाला जो बनाएंगे आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1-1.5 हफ्ते, और उसके बाद में आपकी कोई भी सब्जी है, आप मटर पनीर बनाने चाहते हैं या फिर कोई भी सब्जी बनाएं, तो वो झटपट बन जाएगी। सिर्फ उसको 2 मिनट लगेंगे आपको सब्जी बनाने में और सब्जी बनके आपकी तैयार हो जाती है। कई बार होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और या फिर हम वर्किंग वुमेन हैं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छी है कि आप इस मसाले को बना के रख लीजिए 1 दिन पहले, और कभी भी आपको सब्जी बनानी है आप झटपट इसको बना लीजिए। आपके यहाँ कितने भी गेस्ट आ रहे हैं, आप बस इस मसाले को डालिए, 2 मिनट इसको भूनिए और बस आपकी सब्जी बन के तैयार है। यहाँ पे प्याज को भूनने के लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि हमने प्याज और टमाटर थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरा जब अच्छे से भून जाएगा तो उसमें थोड़ा सा उसमें हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद में हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। तो ये जो हमने अदरक पीस के जो हमने क्यूब्स बनाए थे, यही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। देखिए, हम इसमें डाल देंगे 2-3, जो भी आपको यूज़ करने हैं वो उतना आप यूज़ करके इसमें मिक्स कर लें। प्याज हमारी अभी भून रही है, अभी पूरी तरीके से नहीं भुनी है ये। तो अब हम यहाँ पे टमाटर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 6-7 टमाटर लिए हैं, इसमें हम ये लाल वाली मिर्च डालेंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको सबको बड़े बड़े पीसों में काट के और इसको पीस लेंगे।
यहाँ पे हमारे टमाटर मिर्च वगैरह सब कट चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये जो मसाला है ये बिल्कुल जो आप रेस्टोरेंट और ढाबे में खाते हैं उस तरीके से ही बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसीलिए हमने प्याज को बिल्कुल पीसा नहीं था और हम यहाँ पे टमाटर को बिल्कुल पेस्ट बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। यहाँ पे हमारा ये जो टमाटर का पेस्ट था वो पिस चुका है, तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि प्याज भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो यहाँ पे अभी हमें इस टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है। तो हमारा प्याज टमाटर का मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, तो हम यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट डालने के बाद में हम थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर सभी मिक्स करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद में इसको फ्रीज़र में रख देंगे और जब हमें यूज़ करना होगा तो तब हम इसको निकाल कर यूज़ कर लेंगे। उसी मसाले से हम आपको एक सब्जी बना के दिखाएंगे जो मटर पनीर की होगी, जिसको बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है और हम यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में हमारी मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने तेज पत्ता और जीरा डाल दिया है। यहाँ पे अब हम ये मसाला लेंगे और इस मसाले को इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तब हम इसमें थोड़े से मसाले अपने टेस्ट के अनुसार डालकर और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और वो हमारी सब्जी जो है मटर पनीर की, तो उसमें मटर पनीर दोनों को मिक्स कर हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसमें मसाले भी मिला दिए हैं, सूखे मसाले, और अब हम इसमें मटर मिला देंगे और मटर को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें पानी और पनीर को मिक्स कर देंगे और थोड़ा देर इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए हमारा मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। देखिए ये हमारा मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको सिर्फ 1-2 मिनट में ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला हमारा पनीर, मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने लिया है ये पालक। तो पालक बहुत ज़्यादा आ गया था तो हमने काफ़ी यूज़ भी कर लिया है, लेकिन ये फिर भी बच गया था और ये थोड़ा सा ख़राब होने लगा था। इसकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली पीली पड़ने लगी थी, पालक सारी ख़राब हो जाती, तो हमने सोचा कि इसको अच्छे से धोकर और इसको बॉयल कर लें। तो हमने इसको धोकर और बॉयल कर लिया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको बॉयल करना है। तो यहाँ पे जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर हमें इसको निकालना है, तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दें और थोड़ी देर के लिए उसी पानी में इसको छोड़ दें जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता बिल्कुल। पालक को ठंडे पानी में डालने से इसका कलर चेंज नहीं होता, ये ग्रीन ही रहता है, वरना अगर इसको आप सीधे ही ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठंडे पानी में डालने से इसका कलर चेंज नहीं होता है, वो ग्रीन ही रहता है। पालक यहाँ पे ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है।
यहाँ पे हमारी पालक फिस चुकी है, तो हम इसको स्टोर कर देंगे। और इसको जब भी हमें यूज़ करना है तो थोड़ी देर पहले हम इसको निकालेंगे और इसका यूज़ कर सकते हैं। पालक पनीर बनाना है, पराठा बनाना है, जो भी बनाना है उसमें डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।